हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनुराय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करती हूं। कंपटीशन कम्युनिटी के माध्यम से यूट्यूब के द्वारा चलाए जा रहे इस प्रोग्राम जिसका नाम है लैंग्वेज मंत्रा, आज मैं आपके लिए व्याकरण के उस हिस्से को लेके आई हूं जो आपके प्रश्न को पूछने के लिए विकारी शब्द का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहले विकारी शब्द हमने संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ लिया था, आज के विकारी शब्द के अंतर्गत हम जानेंगे विशेषण के बारे में। अगर हम विशेषण की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि विशेषण क्या होता है। विशेषण एक शब्द है जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है। फिर ये विशेष्य क्या होता है, तो विशेष्य वो होता है जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, और विशेषण वह शब्द है जिसके माध्यम से विशेषता बताई जाती है। यह एक विकारी शब्द क्यों है, क्योंकि इसमें विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर विशेष्य पुरलिंग है जैसे कि बच्चा कह रहे हैं, तो हम यहाँ पर विशेषण के शब्द में भी लिंग का प्रभाव देखेंगे, जैसे कि मोटा बच्चा। यदि यही विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है स्त्रीलिंग है, अगर वो बच्ची कहता है तो विशेषण का शब्द भी स्त्रीलिंग के अनुसार मोटी हो जाएगा। और यही अगर हमारे लिए जहाँ लिंग का प्रभाव पड़ रहा था, यदि हम इसमें वचन की बात करते हैं कि बच्चा से अगर हम बहुवचन में बच्चे कहते हैं तो विशेषण भी परिवर्तन हो जाएगा, और मोटे बच्चे कहकर वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इस वजह से विशेषण को एक विकारी शब्द कहा जाता है, क्योंकि विशेषण यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। दूसरी बात, ये विशेषण क्या करता है, ये विशेषण जो होता है संज्ञा शब्द की यानी कि संज्ञा शब्द की मर्यादा को बांध देता है, यानी कि संज्ञा शब्द की व्याप्ति को, यानी कि जो विस्तृत रूप था उस संज्ञा शब्द की व्याप्ति को क्या करता है, मर्यादित कर देता है। कैसे मर्यादित करता है, यानी कि अगर आपको कहता है जैसे कि घोड़ा, ठीक है ना। अब जैसे हमारे लिए घोड़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि ये कोई भी घोड़ा हो सकता है, जो जातिवाचक संज्ञा है कोई भी घोड़ा हो सकता है। लेकिन अगर इसी को हम काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा कहते हैं तो यह मर्यादा में उसको क्या करता है, बांधता है। तो विशेषण शब्द के द्वारा संज्ञा शब्द जो है वो मर्यादित हो जाता है, एक मर्यादा में बंध जाता है। अब ये विशेषण कितने प्रकार के हैं कहते हैं, तो देखा जाए तो रूप के आधार पर दो प्रकार के हैं, यानी कि आपके रूढ़ या मौलिक, और दूसरा है आपका यौगिक, ठीक है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो अर्थ के आधार पर कितने हैं, तो अर्थ के आधार पर मूलतः चार प्रकार का विशेषण जो है माना जाता है। इस चार प्रकार के विशेषण में गुणवाचक विशेषण जिसे आप क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, संख्यावाची विशेषण जिसे आप न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं, इसी प्रकार सर्वनामिक विशेषण जिसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, उसी प्रकार हम उसे अगला विशेषण की बात करें तो हमारे तक परिमाणवाचक विशेषण जिसे हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं तो डिग्री डिसाइड कर ली जाती है, इसलिए एक विशेषण और होता है जिसे तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। इसी के अंतर्गत एक पक्ष और है जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं आपके व्यक्तिवाचक विशेषण, और एक पढ़ते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। इस विशेषण से किस तरह के प्रश्न आते हैं, अब हम इसी चीज को यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है प्रविशेषण कहते हैं, ऑप्शन ए कहता है परिणाम बोधक विशेषण को, ऑप्शन बी कहता है सर्वनामिक विशेषण को, ऑप्शन सी कहता है संख्यावाचक विशेषण को, और ऑप्शन डी कहता है विशेषण के विशेषण को। दूसरी बात, आज के इस जो आपके लैंग्वेज मंत्र है इसके अंतर्गत मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो किसी भी प्रकार की परीक्षा में विशेषण टॉपिक से आपको पूछे जाते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सीजी व्यापम जो शिक्षक पात्रता वाला होता है, 2017 में यह प्रश्न जो है वो पूछा गया था। अब जो प्रश्न का जो क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, डेफिनेशंस को भी हिस्से में दे देता है प्रश्न में स्थान, उसी प्रकार आपको बिल्कुल सिंपल सा पहचानने के लिए भी दे दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि प्रविशेषण क्या है, तो अभी आपने देखा कि संज्ञा शब्द की व्याप्ति को क्या कर देता है, विशेषण शब्द मर्यादा में बांध देता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर वो कहता है
जैसे कि कहता है मोटा बच्चा, ठीक है। अब ये जो हमारा मोटा शब्द है यह विशेषण का शब्द है, लेकिन यदि मैं कहने लगूं बहुत मोटा बच्चा, तो इस मोटा जो विशेषण का शब्द है उसकी विशेषता है कि कैसा बच्चा है, बहुत मोटा बच्चा है। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताया जा रहा है उसे इम्फेसाइजिंग यानी कि उसे प्रविशेषण कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि प्रविशेषण का जो शब्द है हमेशा विशेषण से पहले लिखा जाता है। बहुत, अति, अत्यंत, ये सारे शब्द हैं जो प्रविशेषण के शब्द होते हैं। तो परिणाम बोधक विशेषण क्या होता है? परिणाम बोधक विशेषण नहीं बल्कि होता है परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है आपका आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जहां पर संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताई जाए, मात्रा, ठीक है, साथ में क्या बताया जाए, नाप तौल संबंधी विशेषता। तो जहां पर मात्रा नाप तौल संबंधी विशेषता है वहां परिमाण वाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। इस परिमाण वाचक विशेषण के दो हिस्से होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। इस परिमाण वाचक विशेषण के अंतर्गत हम किलोग्राम लेते हैं, मीटर लेते हैं, लीटर लेते हैं, ठीक है, तो सेंटीमीटर यानी कि नाप तौल मात्रा, ऊंचाई हो गया, गहराई हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपके लीटर, मिलीलीटर, किलोमीटर, है ना, तो फीट, ये जो जितनी दूरी नाप तौल संबंधी मात्रा का बोध कराता है तो परिमाणवाचक विशेषण जो है वो कहलाता है। इसके दो पक्ष हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। जहां निश्चितता का बोध है कि मैं 2 किलो शक्कर बाजार से लाया तो निश्चित मात्रा है, 5 मीटर कपड़े से मेरा फ्रॉक बन जाएगा तो निश्चित मात्रा है, लेकिन कहता है जरा चाय तो पिला दो, थोड़ा अचार तो लेते आना, तो वहां मात्रा निश्चित नहीं है, इसलिए वो अनिश्चित परिमाण की श्रेणी में आता है। क्लियर हो गया। दूसरा, सार्वनामिक विशेषण, इसे हम सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को सांकेतिक विशेषण भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं? जब कोई संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम का शब्द आ जाता है जिसके माध्यम से उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है, जैसे कि बच्चा रो रहा है, ठीक है, ये हमारे लिए अगर देखा जाए तो हमारे लिए ऐसा प्रयोग है कि बच्चा गा रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा खेल रहा है, तो एक संज्ञा शब्द है बच्चा, ठीक है। लेकिन अगर कहते हैं यह बच्चा रो रहा है, वह बालक खेल रहा है, तो एक प्रकार से संकेत दिया गया। ऐसे संकेत जहां पर सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आ रहा है और उस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है तो सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण, यानी कि हम इसे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से या इंडिकेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तीसरा है संख्यावाचक। संख्या का मतलब होता है गिनती। संख्या का मतलब होता है गिनती। जब किसी संज्ञा शब्द की विशेषता अकॉर्डिंग टू नंबर्स बताई जाती है, 2 छात्र, 15 किताब, 5 पेड़, 3 पौधे, ठीक है ना, 1500 विद्यार्थी, तब ये निश्चित संख्या है। तो निश्चित अंक, गणना, गिनती, है ना, तो निश्चित अंक है, आवृत्ति है, प्रत्येकता है, समूह है, इस प्रकार की अगर निश्चितता का बोध कराता है, निश्चित क्रम का बोध कराता है तो निश्चित संख्यावाची। और अगर कहता है जहां संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाची हो जाती है। इसलिए अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल्स एडजेक्टिव के भी दो हिस्से हो जाते हैं, डेफिनेट न्यूमेरिकल्स जिसे हम काउंटेबल न्यूमेरिकल्स कहेंगे, और एक हो जाता है इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स जिसे कहा जाता है अनकाउंटेबल न्यूमेरिकल्स यानी कि अनिश्चित संख्या। अगर कहता है मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं तब वो हमारे लिए निश्चित संख्या हुआ, लेकिन कहता है सभी छात्र आज कक्षा में नहीं आए या बहुत से छात्र कक्षा में उपस्थित नहीं है तो अनिश्चित संख्या की श्रेणी में आता है। तो 3 प्रकार के इस विशेषण को आपने जान लिया। प्रश्न ने कहा है कि प्रविशेषण कहते हैं, तो विशेषण के विशेषण को यानी कि विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है। यदि वो कहता है अत्यंत कहता है, ठीक है ना, इसी प्रकार बहुत कहता है, इसी तरह अतीव कहता है, ठीक है, बड़ा कहता है, यानी कि होशियार है तो हम कहते हैं अत्यंत होशियार है, चालाक है तो बहुत चालाक है, सुंदर है तो अतीव सुंदर है, बुद्धिमान है तो बड़ा बुद्धिमान है। तो ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताने के लिए काम करते हैं, तो अत्यंत, बहुत, अतीव, बड़ा, ऐसे शब्द हैं जो विशेषण की विशेषता बता रहे हैं तो प्रविशेषण की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का
उदाहरण है, ठीक है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? मेरा लड़का आलसी है, वह नौकर नहीं आया, जैसा देश वैसा भेष, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। यह प्रश्न आपके जो है वो सीजी व्यापम के द्वारा पूछा गया था 2018 में, ठीक है? मैंने बताया कि आज की जो टॉपिक्स होंगे उसके अंतर्गत परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लेकर मैं आपके सामने इसलिए लेकर आई हूँ। तो मेरा लड़का आलसी है कहता है, तो यह हमारे लिए आपके विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है, आलसी है। तो अगर वो कहता है रूप रंग आकार प्रकार स्वाद गंध दिशा, है ना, किसी प्रकार अगर देखा जाए तो अवस्था हालात स्पर्श ध्वनि इतने प्रकार के गुण बताता है, तो वहां गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो लड़का कैसा है, आलसी है, मतलब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव गुणवाचक। वह नौकर नहीं आया, मैंने अभी बताया कि नौकर जातिवाचक संज्ञा है जिसके पहले वह विशेषण का शब्द, इसकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। जैसा देश वैसा भेष कहता है तो यह भी गुण है, लेकिन अगर देखा जाए तो सेब कह रहा है। सेब जो एक संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, मतलब कि जो कश्मीरी सेब है उसकी विशेषता बता रहा है कि आपकी कैसा होता है, सिंदूरी लाल होता है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। काला घोड़ा शब्द में काला, ये जो विशेषण का शब्द है, संज्ञा शब्द की व्याप्ति को क्या कर रहा है? ऑप्शन ए तथस्थ कर रहा है, ऑप्शन बी विस्तारित कर रहा है, ऑप्शन सी मर्यादित कर रहा है, या ऑप्शन डी कुछ नहीं कर रहा। ये प्रश्न भी सीजी व्यापम 2018 में पूछा गया था। जब मैंने विशेषण पढ़ाना शुरू किया तभी मैंने कह दिया था कि विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की हर हालत में विशेषता बताता है, और विशेषता बताने की वजह से जो शब्द विस्तृत थे उसको एक मर्यादा में और सीमा में बांधता है। तो मैंने कहा कि घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है और इस शब्द में जो काला रंग है जो विशेषण का काम कर रहा है, अब घोड़ा कहने से जो विस्तारित था तो तटस्थ तो नहीं कर रहा, रोक नहीं रहा है, न उसको विस्तारित कर रहा है, बल्कि उसे क्या कर रहा है, मर्यादा में बांध रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था में है? अब देखिए मूलावस्था क्या होती है, ऑप्शन ए कहता है कठोरतम, ऑप्शन बी कहता है सुंदर, ऑप्शन सी कहता है लघुत्तम और ऑप्शन डी कहता है प्रियतर। तो देखिए एक विशेषण होता है जिसे हम कहते हैं तुलनात्मक विशेषण, ठीक है? जब किसी गुण स्वभाव रूप रंग आकार प्रकार प्रकृति अवस्था हर प्रकार की कारण होने की वजह से एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना करी जाती है, जब किसी गुण विशेष के कारण वहां पर तुलना की जाती है, यह गुण विशेष रूप रंग हो सकता है, व्यवहार हो सकता है, उनकी प्रकृति हो सकती है, उनकी खूबी उनकी कमी किसी भी प्रकार से, तो जब वहां पर तुलना की जाती है, तो जब किसी गुण विशेष के कारण किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य से की जाती है तब वहां तुलनात्मक विशेषण होता है। इस तुलनात्मक विशेषण के अंतर्गत ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पर से का प्रयोग जो है वो करते हैं। जब दो में कंपेयर करना होता है तो जहां वो मूल रूप से कहता है तो मूल रूप से कहने के लिए उसके पास चार अवस्था होती है, संख्या होती है निश्चित अनिश्चित, मात्रा होती है निश्चित अनिश्चित, गुण होता है निश्चित अनिश्चित और उसी प्रकार सर्वनामिक रूप होता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जहां दो में से किसी एक को चुनना होता है, तो हम यहाँ पर से का प्रयोग तो करते हैं, साथ ही इसकी अपेक्षा इसके बनबिस्त इसके बदले उसके बदले इसकी तरह उसकी तरह, तो सासी का प्रयोग करते हैं, मुझसा तुझसा इसके जैसा, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए। और उसी प्रकार हम से का प्रयोग करते हैं, मुझसे सुंदर तुमसे बढ़कर, ठीक है, मोहन की अपेक्षा, है ना, उसके जैसा उसकी तरह, इस तरह तुलना की जाती है और वह एक अवस्था बन जाती है आपकी दो में। लेकिन जब वहां सबसे तुलना की जाती है तो हम क्या कहते हैं, सबसे अच्छा, है ना। उसी प्रकार इंग्लिश में हम देखते हैं तो संस्कृत से तीन प्रकार की डिग्री जो है वो ली गई है। संस्कृत के अनुसार हम देखते हैं तो यहाँ हमारे लिए अवस्था देखने को मिलती है। यहाँ इंग्लिश में जहां हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं तो हिंदी में उसे मूलावस्था कहा जाता है,
जहां किसी एक गुण विशेष को बताया जाए तो मूल अवस्था होती है, दो में कंपेयर किया जाए तब वहां पर हो जाती है हमारे लिए उत्तरावस्था, ठीक है, जिसे हम कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं। जहां दो से ज्यादा में तुलना की जाती है तो उसे कही जाती है उत्तमावस्था, यानी कि हमारे लिए सुपरलेटिव डिग्री। यहां पर पूछा गया कि कौन सा शब्द मूल अवस्था में है, कठोरतम, सुंदर, लघुत्तम और प्रियतर। तो ध्यान रखिएगा, मूल अवस्था अगर होती है जैसे कि सुंदर कह रहा है तो यह हमारे लिए मूल अवस्था है, ठीक है। दो में कंपेयर किया जाता तो क्या कहते हैं, हम कहते हैं सुंदरतर, ठीक है ना। और अगर सबसे तुलना की जाती तो हम क्या कहते हैं, सुंदरतम, ठीक है। तो पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर देखिए तम जुड़ा हुआ है, तो जहां किसी शब्द में तम जुड़ा है मतलब वो सुपरलेटिव डिग्री है, उच्चतम, अधिकतम, ठीक है, सर्वोत्तम, है ना, ये श्रेष्ठतम, ये हमारी उत्तम अवस्था है। लघुत्तम कह रहा है ये भी उत्तमावस्था है, ठीक है। प्रियतर कह रहा है ये हमारे लिए उच्चतर, श्रेष्ठतर, लघुतर, न्यूनतर कह रहा है, तो उत्तरावस्था है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, मूल अवस्था क्या है, तो सुंदर। तो लघु, लघुतर, लघुत्तम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तो गुड, बेटर, बेस्ट होता है, हाई, हायर, हाईएस्ट होता है। वैसे ही जहां केवल गुण विशेष की वजह से केवल क्वालिटी बताई जाए तो मूल अवस्था पॉजिटिव डिग्री, दो में कंपेयर किया जाए तो उत्तरावस्था कंपेरेटिव डिग्री, और जहां दो से ज्यादा में कंपेयर किया जाए तो उत्तमावस्था यानी कि आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। तो पहचानेंगे कैसे, किसी भी शब्द के अंत में तम जुड़ा मतलब वो उत्तमावस्था है, किसी भी शब्द के अंत में तर जुड़ा मतलब वो उत्तरावस्था है, लेकिन अगर केवल विशेषता है तो हम मूल अवस्था की श्रेणी में आती है। तो जब हमें तुलना करनी होती है तो हम इसकी अपेक्षा, इनके बनबिस्त, इसी प्रकार हम इसके कमतर, इसके लगभग, इसके समान, इसके जैसा, इसकी तरह, इसकी भांति, इसके तुल्य कहकर दो में कंपेयर करते हैं। और अगर सब में कंपेयर करना होगा तो सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत, सभी से बेहतर, सबसे अच्छा, इस तरह का प्रयोग करके हम उत्तमावस्था का श्रेणी जो है लाकर रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में, वे घोड़े बिकाऊ हैं, कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है कि रीतिवाचक है कि संकेतवाचक है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी सीजी व्यापम का प्रश्न है। वे घोड़े बिकाऊ हैं कहता है, तो देखने वाली बात है कि यहाँ पर कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पर घोड़े कह रहा है जो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब अगर कहते कि घोड़ा बिकाऊ है, घोड़ा बिकाऊ है, तो घोड़े की विशेषता होती कि उसके गुण है तो उसमें बिकने की क्वालिटी है, तो गुणवाचक विशेषण होता। रीतिवाचक विशेषण कभी भी होता नहीं है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अब कह रहा है संकेतवाचक, मतलब कि घोड़े को संकेत दे रहा है, कौन घोड़ा बिकाऊ है, वे घोड़े बिकाऊ हैं, मतलब किसी संज्ञा शब्द से पहले एक सर्वनाम का शब्द आ गया जो उस संज्ञा शब्द की क्या बता रहा है, विशेषता। ऐसा करके यह घोड़े को संकेत दे रहा है तो इसे संकेतवाचक विशेषण, या हम इसे एक और नाम देते हैं, इसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। उसके अंतर्गत हमने देखा कि वे घोड़े बिकाऊ हैं कह रहा है, मतलब हमारे लिए आपका क्या आता है, संकेतार्थक या सर्वनामिक विशेषण। अगले क्वेश्चन की ओर, इस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा है वह अभी आ जाए। यह भी 2017 और 2016 में आपको पूछा गया है, मतलब 16 और 17 में इस क्वेश्चन को जैसा का तैसा वहां पर रिपीट करके पूछा गया है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, ठीक है। अब देखने वाली बात है, अच्छा है वह अभी आ जाए, तो यहाँ पर फीलिंग्स बता रहा है, मतलब कि इच्छार्थक वाक्य की श्रेणी में है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, तो इसमें भी हमारे लिए एक संकेत है कि तुमने अच्छा किया जो आ गए कह के, अच्छा तुम घर जाओ कह रहा है, तो यहाँ पर हमारे लिए अपनी भावनात्मक पक्ष को बताया। लेकिन यहाँ अच्छा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, स्थान के लिए किया गया है कि वह स्थान, यह स्थान बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा, जहां पर हमारे लिए विशेषण का प्रयोग है, जो अच्छा शब्द का प्रयोग स्थान की विशेषता बताने के लिए किया गया, जो गुणवाचक विशेषण का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, किस वाक्य में परिणाम परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है, घोड़ दौड़ में काले घोड़े की जीत हुई,
आम का रस थोड़ा खट्टा था। चार गुंडों ने उसकी पिटाई की, वह लड़का तेजी से दौड़ पड़ा। ये 2016 का प्रश्न है व्यापम का, ठीक है। अब परिमाण बोधक विशेषण, मैंने आपको बताया कि परिमाण बोधक विशेषण क्या होता है, जहां पर किसी संवना आपके शब्द में संज्ञा और सर्वनाम की नाप तौल माप आपकी मात्रा का बोध हो, जहां पर किसी संज्ञा और सर्वनामी शब्द की नाप तौल माप या मात्रा का बोध हो। इसके अंतर्गत हमारे लिए वजन आती है, ठीक है। इसी प्रकार इसके अंतर्गत हमारे लिए ऊंचाई आता है, इसी प्रकार इसमें गहराई आती है, ठीक है। तो वजन है, ऊंचाई है, गहराई है, ठीक है, ये सारे पक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। हम कपड़े को नाप सकते हैं, दूरी को माप सकते हैं, तेल को और दूध को हम उसको नाप सकते हैं, इसी प्रकार वजन को भी हम माप सकते हैं। इसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है हमारे लिए निश्चित परिमाण और एक होता है हमारे लिए अनिश्चित परिमाण। अब आप कहेंगे कि निश्चित परिमाण क्या होता है, जहां पर हम किसी संज्ञा शब्द की नाप तौल की निश्चित मात्रा का बोध कराएं, 2 किलो, 50 लीटर, 5 किलोमीटर, 250 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 फीट, 2 फीट कह सकते हैं, ठीक है, इसी प्रकार 1 किलो, 2 किलो, 1 पाव, 2 पाव कह सकते हैं, ठीक है। तो देखने वाली बात है कि ये आपके मात्रा की निश्चितता का बोध करा रहा है, लेकिन जरा, थोड़ा, बहुत, अधिक, लगभग, तुल्य अगर कहता है तो मात्रा निश्चित नहीं है। अब यहाँ पूछा है किसमें इसका प्रयोग है, तो घुड़दौड़ में काले घोड़े की जीत हुई, नहीं, यहाँ पर हमारे लिए काला घोड़ा कह रहे तो गुणवाचक विशेषण है। उसी प्रकार चार गुंडों ने उसकी पिटाई की, तो यहाँ पर गुंडों की संख्या निश्चित बताया जा रहा है। वह लड़का तेजी से दौड़ पड़ा, तो सर्वनामिक विशेषण है कि आम का रस थोड़ा खट्टा है, आम का रस थोड़ा खट्टा है, तो अनिश्चित परिमाण वाचक का इसका अंतर्गत उदाहरण देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे कहते हैं राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, क्या यह परिमाणवाचक विशेषण है, क्या संख्यावाचक विशेषण है, क्या गुणवाचक विशेषण है, कि सर्वनामिक विशेषण है। जब एक प्रश्न की बात की जाए तो 2014 तक, वहां पर 2014-15 तक हमारे पास 5 प्रकार के ऑप्शन वाले प्रश्न हुआ करते थे, ठीक है। अब हमारे पास केवल 4 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। ध्यान से समझिएगा कि 2016 तक, 2015 तक हमारे पास जो प्रश्न होते थे 2014-15 तक, वहां 5 ऑप्शंस होते थे, ए बी सी डी ई करके, ठीक है, 5 विकल्प वाला एमसीक्यू पूछा जाता था, चाहे वो व्यापम हो चाहे वो पीएससी हो। लेकिन उसके बाद से 4 विकल्प में उसको संरक्षित कर दिया गया और हमारे प्रश्न है जो 4 विकल्प में पूछे जाते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा है राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, क्या परिमाण है, परिमाण का मतलब नाप तौल होता है, तो क्या राधा को नापा तौला जा रहा है, नहीं। संख्यावाचक होता है तो राधा की संख्या की विशेषता है क्या, नहीं। सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम के शब्द के द्वारा बताया गया है क्या, नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी बताई है, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, देश, है ना, इसी प्रकार देखा जाए तो स्पर्श, अवस्था, हालात, गुण दोष संबंधी विशेषता बताए। अब यहाँ पर सुंदर कह रहा है तो लड़की की विशेषता है, तो व्यक्ति होता है सुंदर, कुरूप, बुद्धिमान, चालाक अगर होता है, इसी प्रकार होशियार होता है, कायर, कपटी, अभिमानी, अहंकारी होता है, ठीक है ना, तो व्यक्ति की विशेषता है गुण संबंधी, तो वहां गुणवाचक विशेषण का आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर मैडम ने आपने क्या कट किया, तो यहाँ पर भी एक था कि टाइप करते समय थोड़ा सा मैंने देखा यहाँ पर, तो मैंने ऑप्शन को डाल दिया था और मैंने आपको बताया कि 2015 तक जो विकल्प होते थे वो 5 प्रकार के विकल्प से प्रश्न को पूछता था। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम आते हैं इस प्रश्न में और क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए चमकीला, ऑप्शन बी दयालु, ऑप्शन सी सुगंधित और ऑप्शन डी 2 मीटर, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि परिमाण का मतलब नाप तौल होता है, तो चमकीला कह रहा है तो चमक शब्द है जो गुण बता रहा है,
दयालु कह रहा है तो व्यक्ति का गुण दोष बता रहा है, सुगंधित कह रहा है तो फूलों की या वातावरण के सुगंध की विशेषता बता रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 मीटर कह रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो 2 मीटर कहकर परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण में यह कौन सा परिमाण है? निश्चित परिमाण, क्योंकि यह क्या कर रहा है? निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए पौष्टिक, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी प्रकृति और ऑप्शन डी प्राचीन। ये सीजी पुलिस में पूछा गया था एसआई मेंस में 2012 में, ठीक है। तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब देखने वाली बात है, पौष्टिक कह रहा है, इसी प्रकार अधिक कह रहा है, प्रकृति कह रहा है और प्राचीन कह रहा है। पौष्टिक कहकर वो किसी वस्तु की गुणात्मकता को बता रहा है, अधिक कहकर उसकी मात्रा को बता रहा है, प्राचीन कहकर उसका समय संबंधी विशेषता बता रहा है, लेकिन प्रकृति कह रहा है यह विशेषण का शब्द नहीं है। प्रकृति विशेषण का शब्द नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, दिए गए वाक्यों में किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है? उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, गुणवाचक विशेषण पूछा है, 5 मीटर कपड़ा खरीदा। ऑप्शन बी उसके पास 4 पुस्तकें हैं, ऑप्शन सी उस वृक्ष को मत काटो, ऑप्शन डी बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। अब 5 मीटर कपड़ा कह रहा है तो नाप तौल है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। उसके पास 4 पुस्तकें हैं कह रहे तो गिना जा सकता है, इसे संख्यावाची विशेषण। तो ध्यान रखना, परिमाणवाचक जो है नाप तौल है, ठीक है, और संख्यावाचक है जो गिनती होती है, क्लियर। उस वृक्ष को मत काटो, तो वृक्ष से पहले उस जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है तो सर्वनामिक विशेषण है, लेकिन त्वचा कैसी है? मुलायम होती है। तो गुण कैसा है कि मुलायम, चिकना, खुरदुरा, उबड़ खाबड़ कहता है, स्निग्ध कहता है, नरम कहता है ना, उसी प्रकार ठोस कहता है। ये हमारे लिए आपके गुण दोष के अंतर्गत आपके अवस्था बताती है, किसके स्पर्श की अवस्था बताती है, इसलिए इस क्वेश्चन का होगा आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। सेंटेंस दिया है, मैंने सिर्फ 5 केले ही खाए। यह किसका आंसर है? सर्वनामिक विशेषण का कि निश्चित परिमाण का कि अनिश्चित संख्या का कि निश्चित संख्या का? मैंने अभी बताया कि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा से पहले सर्वनाम का शब्द आकर उसकी विशेषता बताता है। परिमाण का मतलब होता है जहां नाप तौल संबंधी विशेषता बताता है, तो निश्चित। अब आप बोलोगे कि 5 केले निश्चित है, 5 केले निश्चित है। अनिश्चित संख्या का मतलब होता है जहां संख्या की मात्रा निश्चित नहीं हो, निश्चित संख्यावाची, तो इसका आंसर क्या होगा? निश्चित। कितने केले खाए उसने? 5 केले खाए। अगर वो कहता है आज मैंने बहुत सारा केला खा लिया है, तब संख्या निश्चित नहीं है। अब आप बोलोगे कि 5 शब्द तो हमारे लिए 2 मीटर की तरह, 5 किलो भी कहे या 5 लीटर कहे तो नाप तौल माप है, लेकिन अगर वो गिनती है, जैसे कि 10 छात्र गिना जाएगा, 10 किताबें गिनी जाएंगी, 5 वृक्ष गिने जाएंगे, 1500 छात्र गिने जाएंगे, लेकिन अगर 50 किलो कहेगा, 1 लीटर कहेगा, 1 सेंटीमीटर कहेगा, 1 मील कहेगा, 1 अंगुल कहेगा, 1 हाथ कहेगा, 2 फीट कहेगा, तो संख्या होकर भी अगर नाप तौल है तो परिमाण की श्रेणी में आते हैं। यहाँ क्या कहा? सिर्फ 5 केले खाए, मतलब उसने केले गिन के खाए। 1 दर्जन अंडा अगर हम लेते हैं तो गिन कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हम कह पर तो देखते हैं कि 1 नग, उसमें भी 2 हम गिन के देते हैं, लेकिन अगर कहता है बहुत सारा, तब हमारे लिए वहां पर संख्या निश्चित नहीं होती, ठीक है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगले क्वेश्चन की ओर, सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण का चयन कीजिए। काला कुत्ता भौंक रहा है, वह आ रहा है, वह आदमी हंसता है, सीता अच्छी औरत है। काला कुत्ता कह रहा है तो कुत्ते की रंग संबंधी गुण बताकर गुणवाचक विशेषण हो गया। वह आ रहा है कहते हैं तो केवल यह सर्वनाम का उदाहरण हो गया। वह आदमी हंसता है, आदमी की विशेषता बता रहा है एक सर्वनामिक शब्द के द्वारा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सीता अच्छी औरत है कहता है तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अब प्रश्न क्या कहा है? सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। ये आपका CSPHCL में 2019 से पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर,
इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण का शब्द नहीं है? अब आप बोलोगे कि विशेषण बनाया जाता है क्या? तो जी हाँ, कुछ विशेषण मूल रूप में होते हैं, यानी कि आपका अच्छा है ना, उसी प्रकार काला, हरा, नीला, पीला है ना, ये आपके ऐसे शब्द हैं जो अपने मूल या आपके रूढ़ रूप में होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको बनाया जाता है, जिसको बनाया जाता है तो हम देखें तो विशेषण के शब्द को बनाने के लिए हम कुछ प्रत्यय शब्द का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है और विशेषण शब्द को बनाने के लिए कभी कभी हम कुछ शब्द में इस्तेमाल कर दे। तो विशेषण का शब्द हम क्रिया शब्द से भी बना सकते हैं, जैसे कि कमाना क्रिया है, तो कमाना से अगर उस व्यक्ति का गुण है कि वह कमाने के लायक है तो कमाऊ कहते हैं। इसी प्रकार देखा जाए चलना क्रिया है, तो कोई व्यक्ति अगर अपने दिमाग ज्यादा चलाता है तो बड़ा चालू है, ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार पढ़ना क्रिया है तो उसे पठित कहा जाता है, लेकिन समझ कहते हैं तो समझ अपने आप में एक विशेषण का शब्द है, तो यह क्रिया से बना हुआ विशेषण का शब्द नहीं है। तो जब हम विशेषण बनाते हैं तो हम ता लगाते हैं, सुंदर में ता लगा दे तो सुंदरता बन जाता है। हम ईला लगा देते हैं, चमक में ईला लगा दिया तो चमकीला हो जाता है। हम इन प्रत्यय जोड़ देते हैं, रंग में इन लगा देते हैं तो रंगीन हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम नमक में इन लगा देते हैं तो नमकीन बन जाता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हम क्या लगा दिए तो आपका मातृत्व, व्यक्तित्व, कृतित्व हो जाता है, मधुरता, सुंदरता हो जाता है, चमकीला हो जाता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो विशेषण के शब्द को क्रिएट कर लेते हैं, तो तद्धित प्रत्यय के द्वारा हम विशेषण शब्द को इस्तेमाल करते हैं। हम देखें तो किसी शब्द में अगर हमने अक्कड़ प्रत्यय लगा दिया, हमेशा भूल जाता है तो भूलक्कड़ कहते हैं, मैक्सिमम दारू पीता है तो पियक्कड़ कहते हैं, ठीक है ना, और भूलता है तो भूलक्कड़ कहते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो जितने भी आपके तद्धित प्रत्यय होते हैं उन तद्धित प्रत्यय का इस्तेमाल करके, यानी कि नॉमिनल सफिक्स का इस्तेमाल करके भी किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता बताई जाती है। जैसे कि हमने आऊ प्रत्यय लगा दिया तो बिकना है तो बिकाऊ, टिकना है तो टिकाऊ बनता है। मतलब कि क्रिया के शब्द में, संज्ञा के शब्द में, सर्वनाम के शब्द में अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उससे एक विशेषण के शब्द भी बनाए जा सकते हैं। वैसे तो बहुत से विशेषण हैं जो अपने मूल रूप में और स्वतंत्र रूप में होते हैं। अपने मूल रूप में है, जैसे कि काला कह रहा है, इसी प्रकार नीला कह रहा है, इसी प्रकार पीला कह रहा है, तो अपने रूढ़ या मूल रूप में है। लेकिन हम जब प्रत्यय जोड़कर उसको बना देते हैं तब वो हमारे लिए यौगिक विशेषण की श्रेणी में आ जाता है। तो जो अपने मूल रूप में है उसे हम रूढ़ विशेषण कहेंगे, ठीक है, और जो अपने प्रयोग से, प्रक्रिया से बदल जाता है उसे यौगिक विशेषण कहा जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। और इस तरह विशेषण के अंतर्गत हम देखते हैं तो रूप के आधार पर दो प्रकार का विशेषण बन जाता है। इन सारी चीजों को यदि आपको जानना है बेटा, है ना, जितनी भी चीजें मैं बतला रही हूं, यदि आपको इन सारे जो टॉपिक है उसको बहुत डिटेल में जानना है तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें एक आई बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया इस टॉपिक का लेक्चर वीडियो आपको एक लिंक के माध्यम से पता चलेगा, जहां जाकर आप उसे बहुत गहराई से समझ सकते हैं, जो आपके यहाँ पर कंफ्यूजन होंगे वो खत्म होंगे। अगला है आपके निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण के विकल्प वाला भेद हो। क्वेश्चन ने क्या कहा है, गणपति के मंडप में, गणपति के मंडप में कुछ ही लोग दर्शन के लिए नहीं आए, मतलब गणपति के मंडप में कुछ ही लोग दर्शन के लिए नहीं आए, क्या ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है, क्या ये संख्यावाचक विशेषण है, क्या ये गुणवाचक विशेषण है, क्या ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। CSPHCL के 2019 का ये प्रश्न है और इसमें देखा जाए तो कुछ कह रहा है, है ना, कुछ ही लोग। तब यहाँ पर पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि संख्यावाची विशेषण का आंसर है। अगर यहाँ पर ऑप्शन ये कहता कि ए और बी दोनों, तो हम उसमें निशान लगाते, लेकिन यहाँ पर संख्यावाची विशेषण तो दिया गया है, लेकिन इसके अंतर्गत ये किसके अंतर्गत आ रहा है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी वो आपको कंफ्यूज करता है, जहां पर ऑप्शन में विकल्प के तौर ए और बी दोनों कहता
तो हम ए और बी में निशान लगाते, लेकिन इसने कहा है क्या यह अनिश्चित संख्या है, क्या संख्या है कि गुण है कि अनिश्चित परिमाण है। क्या संख्या तो है परंतु स्पेशली ऑप्शन दे दिया है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण का उदाहरण है। अगले में आते हैं सहस्त्र किस प्रकार का विशेषण है, क्या यह परिमाण बोधक है, क्या सर्वनामिक विशेषण है, क्या संख्यावाचक विशेषण है कि गुणवाचक है। ये 2022 का पूछा गया प्रश्न है। सहस्त्र का मतलब होता है हजार, सहस्त्र का मतलब होता है हजार। अब हजार क्या है, क्या मात्रा है, नहीं, क्या सर्वनामिक है, नहीं, क्या गुण है, नहीं, बल्कि यह एक संख्यावाची विशेषण है, निश्चित अंक बता रहा है, निश्चित अंक बता रहा है, इसलिए हमारे लिए इसका आंसर होगा आपका संख्यावाचक। अगला प्रश्न कहता है संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 5। सीजी व्यापम एडीईओ में 2017 में पूछा गया था। मैंने पहले ही बताया कि संख्यावाची विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाची विशेषण और एक होता है हमारे लिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। इसे हम डेफिनेट न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव या काउंटेबल न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव कह सकते हैं और इसे हम इनडेफिनेट न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव या हम इसे अनकाउंटेबल न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव कहेंगे। निश्चित में हमारे लिए अंक होता है, निश्चित गिनती होती है, निश्चित गणना होता है, निश्चित क्रम होता है, निश्चित आवृत्ति होती है, निश्चित समूह होता है, ठीक है। जैसे कि 1, 2, 3, 4। अब इस गणना में हमारे लिए पूर्ण भी है और हमारे लिए अपूर्ण भी है। अब कैसे कि निश्चित अंक है 1, 2, 3, 4, 10, 15। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4 कह के हमारे लिए गिनती है, ठीक है। अब ये हमारे लिए गणना है, पूरा है तो 1, 2, 3, 4। अगर हम किसी सामान को अगर हम देखते हैं तो वहां हम देखते हैं घड़ी में कि 12:15 को हम 12:15, 12:30 को 12:30, 12:45 को 1:15, फिर 1 कहते हैं, तो वहां पर हमारे लिए पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है। निश्चित क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। निश्चित आवृत्ति 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना। निश्चित समूह दोनों तीनों, है ना, ये आपके निश्चित संख्या है। लेकिन अगर कहता है कुछ, कहता है इसी प्रकार हमारे लिए बहुत कहता है, तो सब हमारे लिए आपके किसमें आ जाते हैं, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में आ जाते हैं। और इस तरह आज के लेक्चर वीडियो में मैंने विशेषण के टॉपिक को आपको कवर करके बताया है। आने वाले लेक्चर वीडियो में मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ में फिर से मिलूंगी। तो जितनी भी चीजें आज मैंने विशेषण से संबंधित प्रश्नों में आपको समझाने का प्रयास किया है और कोशिश की है कि बहुत डेप्थ में जाकर चीजों में बतलाऊं, अगर आप इसे और अच्छे तरीके से बहुत विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं तो इस लेक्चर वीडियो में एक आई बटन होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको लिंक मिलेगा जिसमें कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी जो मन में दुविधा होगी उन सारी चीजों को वहां से आप हल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, आने वाले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे सभी बच्चों को ढेर सारे शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।